हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 24/7 सीए जोन। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज का सेशन जो आपका होगा वो होगा कॉमर्स का, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूँगी। अकाउंट्स के क्वेश्चन बेसिकली मैं कवर करूँगी इसमें। तो हर वीक हम कॉमर्स का सेशन लेते हैं और उसमें अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स, हर एक एक क्लास में हम सारे टॉपिक्स कवर करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं कवर करवाती हूँ। तो इस सेशन में भी आपके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाऊँगी। तो वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड ज़रूर देखिएगा, और आपका कोई अगर सजेशन है, कोई क्वेरी है, तो आप इजीली हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आप हमारा टाइम टेबल भी देख सकते हो और उसके हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, जो भी एंट्रेंस आपने भरा है उसके हिसाब से आप क्लासेस कर सकते हो। और जो कॉमन क्लासेस हैं जो सभी को करनी है, वो आप ज़रूर करेगा, कोई भी क्लास मिस मत करेगा, क्योंकि सारी क्लासेस जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, द डैश मे इंडिकेट दैट द फर्म इज़ एक्सपीरियंसिंग स्टॉक आउट्स एंड लॉस्ट सेल। तो इसका मतलब है, यह संकेत दे सकता है कि फर्म स्टॉक आउट और खो जाने का अनुभव कर रही है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, ए एवरेज पेमेंट पीरियड से, यानी औसत भुगतान अवधि से, बी इन्वेंट्री टर्नओवर से हम पता कर सकते हैं, यानी इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात से, सी एवरेज कलेक्शन पीरियड से, यानी औसत वसूली अवधि से, या फिर डी क्विक रेशियो, यानी त्वरित अनुपात। तो इसमें क्या संकेत देता है कि आपकी जो फर्म है एक्सपीरियंस कर सकती है आगे चल के स्टॉक आउट्स और लॉस सेल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये आपकी इंडिकेट करती है, यानी इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात आपका सही उत्तर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखकर ही आप पता लगा सकते हो कि क्या चीज़ इंडिकेट करती है। तो बी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश विल डैश द क्विक रेशियो, ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी नो चेंज, या फिर डी आइदर ए और बी, यानी इंक्रीज या डिक्रीज में से कोई एक। तो इसमें नकदी के लिए मशीनरी की खरीद का क्या त्वरित अनुपात होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा यानी बढ़ेगा, घटेगा, या फिर कोई चेंज नहीं होगा, या फिर ए और बी। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा, तो बी डिक्रीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश विल डिक्रीज द क्विक रेशियो, ये क्विक रेशियो को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि अगर हम परचेज करेंगे मशीनरी की फॉर कैश में तो ये रिड्यूस करेगा करंट एसेट, बट जो हमारी करंट लायबिलिटी होगी वो अनचेंज होगी, यानी वो नहीं चेंज होगी, तो जो रेशियो होगा वो अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, रेशियो को डिक्रीज करेगा। तो बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर नॉट द कंपोनेंट ऑफ क्विक असेट्स, यानी निम्नलिखित में से कौन त्वरित संपत्ति का घाटक नहीं है, ए इन्वेंट्रीज यानी माल, बी प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी प्रीपेड खर्चे, सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यानी नकद और नकद के समतुल्य, या फिर डी बोथ ए एंड बी। तो इनमें से कौन से कंपोनेंट नहीं है आपको बताना है क्विक एसेट्स के। हमेशा क्वेश्चन में देखे रहिएगा कि उसमें नॉट लगा है कि नहीं, ये मैं हर बार रिपीट करती हूँ, आई नो, बट ये बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा होता है ना कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी पहले पता होती है, बट वो हमें उस टाइम पे याद नहीं होती है, क्योंकि हमारा फोकस नहीं होता है उस चीज़ पर, जो भी हमारी मतलब जितना भी हमने पढ़ा होता है उतना हम उस टाइम पर हमारा
नहीं याद आता है, तो इसीलिए हमें फोकस और रहना बहुत ज़रूरी है, अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है जो भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। बाकी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। तो इसमें बताना है कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। तो ये कंपोनेंट नहीं है, यानी इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके कंपोनेंट में नहीं आएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन और रीज़न पूछा है। बाकी असर्शन और रीज़न आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे पिछले बार भी और अब की बार भी पूछे जाएंगे, तो अपने कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर रखिए, बिकॉज़ कोई भी क्वेश्चन जो है आपको आता होगा बट आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने मतलब हर सेशन में एक असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन ज़रूर लिए हैं। बाकी असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में ये पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा है, असर्शन दे रखा है इसमें, इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट कंसीडर्ड एज क्विक असेट्स, और इसका रीज़न दे रखा है, इन्वेंट्रीज टेक सम टाइम बिफोर इट इज़ कन्वर्टेड एंड कैश, वाइल प्रीपेड एक्सपेंसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो इसमें जो असर्शन दे रखा है उसका मतलब है कि जो इन्वेंट्री और प्रीपेड खर्चे हैं उसको त्वरित संपत्ति में नहीं माना जाता है, बल्कि जो रीज़न दे रखा है उसमें कहा गया है कि इन्वेंट्री को नगद में बदलने से पहले कुछ समय लगता है, लेकिन जबकि प्रीपेड खर्चों को नगद में बदला जा सकता है। तो क्या रीज़न सही बता रहा है असर्शन का, ये आपको बताना है। उसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए बोथ ए एंड आर इज़ ट्रू, यानी असर्शन और रीज़न सही है, और असर्शन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीज़न। बी दे रखा है, असर्शन एंड रीज़न इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी दोनों ही सही हैं बट जो रीज़न दे रखा है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। सी दे रखा है, असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, और आपका डी दे रखा है कि असर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू। तो इसमें बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी असर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ फॉल्स। जो असर्शन है वो सही है और रीज़न जो आपको दे रखा है वो फॉल्स है। दोनों स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं बट ज़रूरी नहीं है कि दोनों स्टेटमेंट ही सही हो और आपस में रिलेट कर रहे हो। तो हमेशा क्वेश्चन करते टाइम ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है भी कि नहीं, बाद में देखिएगा कि एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं या नहीं, बट पहले आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है कि नहीं, तो ये आप ज़रूर चेक करिएगा। बिकॉज इसमें जो इन्वेंट्रीज़ होती है, मतलब जो नॉर्मल इन्वेंट्रीज़ होती है वो टाइम लेती है टू कन्वर्ट इनटू कैश, बट आपके जो प्रीपेड होते हैं वो एडवांस में ही पे कर दिए जाते हैं विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो जिसके हिसाब से आपका असर्शन जो है वो सही हो जाएगा, दोनों ही क्विक असेट्स में आते हैं, बट रीज़न उसका फॉल्स हो जाएगा। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्किंग कैपिटल इज़ द एक्सेस ऑफ करेंट असेट्स ओवर करेंट लाइबिलिटीज़। यहाँ पे भी स्टेटमेंट दे रखा है, उसको आपको बताना है कि ये ट्रू है, फॉल्स है, कांड से है या फिर पार्शली ट्रू। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये बिल्कुल सही है, बिकॉज जो वर्किंग कैपिटल होता है वो करेंट असेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़ होता है, तो हो जाएगा। तो ए इज योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डैश मींस फर्म्स एबिलिटी टू मीट्स इट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए सॉल्वेंसी, बी लिक्विडिटी, सी एफिशिएंसी या फिर डी नन ऑफ दीस। तो विच मीन्स फर्म एबिलिटी टू मीट इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सॉल्वेंसी, यानी क्षमता। तो ए सॉल्वेंसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
प्रपोज्ड डिविडेंड इज़ अ डैश लाइबिलिटी। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए करेंट लाइबिलिटी, बी कंटिजेंट लाइबिलिटी, सी नॉन करेंट लाइबिलिटी या फिर डी नन ऑफ दीज। तो प्रपोज डिविडेंड इज विच टाइप ऑफ लाइबिलिटी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए करेंट लाइबिलिटी, यानी प्रपोज डिविडेंड इज अ करेंट लाइबिलिटी। तो ए करेंट लाइबिलिटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन वित्तीय विवरणों की सीमा नहीं है। ए डू नॉट रिफ्लेक्ट करंट सिचुएशन, यानी वर्तमान स्थिति को प्रतिबंधित ना करें। बी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट दी अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, यानी व्यवसाय की कमाई की क्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए। सी बायस यानी पक्षपात, या फिर डी नो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन यानी कोई गुणवत्ता जानकारी नहीं। तो इसमें से कौन सी लिमिटेशन नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ये बताना है आपको चारों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो लिमिटेशन के अंदर नहीं आएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो हो जाएगा आपका बी। तो बी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, ये लिमिटेशन के अंदर नहीं आता बिकॉज ये आपका ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, नॉट ना कि लिमिटेशंस के अंदर। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फॉर अ फाइनेंशियल कंपनी इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन इन शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज। तो इसमें पूछा गया है एक वित्तीय कंपनी के दिए गए क्षणों पर ब्याज लाभ और हानि के विवरण में दिखाया गया है। ए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी संचालन के राजस्व, बी अदर इनकम यानी अन्य आय, सी फाइनेंस कॉस्ट यानी वित्तीय लागत, डी यानी इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, संचालन के राजस्व आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मे बी मिसलीडिंग विदाउट द नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसीजर्स फॉलोड बाय द फर्म। तो ये स्टेटमेंट दे रखा है जिसमें आपको बताना है कि ये ट्रू है, फॉल्स है, कांट से है या फिर पार्शली ट्रू है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, तो ए ट्रू आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये सही स्टेटमेंट है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही गाइस, आप लोग अपने अच्छे से तैयारी करते रहिए, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे वीडियो में इजीली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अपने अच्छे से प्रिपरेशंस करिए आप लोग, और अगर कोई टॉपिक छूट भी जाता है तो आप हमसे कह सकते हैं, हम वो पूरा कवर अप करवाएंगे। या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो कहीं पर तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर ही रहे होंगे और आगे भी ऐसे करते रहिए, और अपने एग्ज़ाम्स में आप लोग सभी लोग अच्छे से स्कोर करेंगे, आई एम वेरी श्योर। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ओके गाइज, बाय, टेक केयर।